लेकिन नीतीश की रैली को फ्लॉप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो सम्मेलन चल रहा है उनका व्यूअरशिप उसका देखकर बहुत दुखद लग रहा है। ऐसी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है 15 साल से शासन में है, सब लोग घरों में है क्वारंटीन, सब मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और फिर भी कोई उस रैली को नहीं देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्ट है ऑडियंस से, जनता से, वो टूट चुका है। आपकी बातें जनता समझ नहीं रही है या समझना चाहती है, आपसे उब चुकी है, थक चुकी है। राजद को लेते हुए, सबको लेते हुए एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे आने वाले समय में नीतीश की जो रैली है उसको फ्लॉप किया जाए। एक हफ्ते का समय मांगा था जी। वही अहमद पटेल जिनका एक हफ्ते का समय खत्म हो गया जी। और माझी जी मैंने खाली हाथ वहीं इंतजार में फरियाद में बैठे रह गए और उसी के चलते माझी जी कांग्रेस से भी गुस्सा हो गए। नमस्कार। बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, हम जो है अब रातों रात कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं और आप भी हाथ में जो है अपने चाय का जो प्याला है उसको कस के थाम के बैठ जाइए और चलिए आनंद लेना शुरू कीजिए। तो बिहार में जो है सियासी जो सागर है उसमें हलचल शुरू हो गया है। शुरुआत तो पहले से भी है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात जो है ये है कि कांग्रेस के जो अहमद पटेल हैं, जो कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनाव को लेकर के जिन पे विशेष आकर्षण रहता है लोगों का, ध्यान रहता है लोगों का, उनसे महागठबंधन के एक बड़े नेता और एक बड़े पार्टी के भी वो नेता है, मुखिया है, उन्होंने उनके साथ एक गुप्त बैठक की है। ये गुप्त इसलिए भी क्योंकि इसकी खबर न तो तेजस्वी यादव को लगी है जी। और न ही विपक्ष के जो अन्य घटक दल हैं उनको लगी है। मांझी जो है, मांझी जी बीच में आपको लगातार कोशिश में थे, लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं कि वो सारी कुछ करने के लिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बैठक की जो खबर है वो उनको भी नहीं लगी। और बात करें इस बैठक के बाद जब वो लोग बाहर निकले तो भारत लाइव की टीम जो सबसे पहले आप तक ये खबर पहुँचा रही है कि उस बैठक के बाद उन्होंने इस बात पर भी अपना पूरा दावा ठोका कि हम जो है महागठबंधन में जो स्थिति बनी हुई है अब सब कुछ ठीक कर लेंगे। उनके कहने से ये ऐसा झलक रहा था कि मानो सब कुछ ठीक हो गया है। तो कौन थे वो नेता, हम बताएंगे लेकिन हम नहीं बताएंगे। अब ऐसा काहे बात, क्योंकि हमारे बड़े हैं हमारे साथ, हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा जी, हम उनकी ओर रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन है वो बड़े नेता और क्या क्या बात हुई। देखिए, नेता जी का तो नाम अभी संदिग्ध ही रहेगा जी, लेकिन खबर जो है वो अब संदिग्ध नहीं है जी। खबर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है। थोड़ी देर में ही किसी निजी चैनल पर आप एक नेता जी का इंटरव्यू भी देखिएगा, उनका भी नाम मैं गुप्त रखूंगा जी। किसी निजी चैनल पर आपको उनका इंटरव्यू दिखेगा और उसमें वो कहेंगे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो चुका है जी। देखिए, ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं जी। चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने जो मांगे रखी थी उनको लेकर काफी पॉजिटिव फीडबैक आया है चुनाव आयोग का जी। लेकिन जो डिजिटल रैली है उसे रोका नहीं जा सकता है किसी संदर्भ जी। डिजिटल रैली को लेकर कुछ नियम कानून जरूर चुनाव आयोग लेकर आएगी, इसको लेकर भी 24 घंटे का अल्टीमेटम एक तरह से दिया गया है, 24 घंटे में परिस्थितियां सामने हो जाएंगी जी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि डिजिटल रैलियां होंगी जी। आप इसके बजट को लेकर, आप इसके रूपरेखा को लेकर अलग अलग तरह के प्रस्ताव ला सकते हैं, उसके लिए भी पोर्टल पे स्थान दिया गया है चुनाव आयोग के। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन डिजिटल रैलियों के माध्यम से ही चुनाव होगा इसकी तैयारी होनी चाहिए जी। ये बाकी पार्टियों को समझ में आ गया है और जैसे ही ये बातें बाकी महागठबंधन के दलों को पता चली, देखिए आज माझी जी भी सामने आए जी। लॉकडाउन के बावजूद माझी जी का वीडियो वायरल हुआ है, माझी जी लगातार प्रेस से मुखातिब होते हुए ये बात कह रहे थे कि उन्हें राजद से कोई उम्मीद नहीं है जी। उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें महादलित सीएम चाहिए जी। दलित भी नहीं, महादलित चाहिए जी। और उन्होंने ये कहा कि अब कहीं ना कहीं जो हम लगातार बोलते हैं, अब रिटोरिक हो चुका है ये जी। बोलते बोलते कि उन्होंने कांग्रेस के पाले में गेंद कर दिया है और कहा है अब कांग्रेस को ही करने। लेकिन एक भविष्यवाणी और मेरी सत्य हुई है जी। जो बातें मैंने आपको कही थी बंद दरवाजे के अंदर हुई थी, चाय की जो फीकी चुस्की थी, चाय की जो फीकी चुस्की थी, वो उस पर मैंने आपसे टिप्पणी किया था, याद कीजिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि 5-2 या 50-2 जी, लेकिन तेजस्वी और कांग्रेस के जो नेता है दोनों सामने आकर एक मीटिंग के दौरान ये बातें कहें। तेजस्वी की आंखों में आंखें मिलाकर माझी देखना चाहते हैं
कि तेजस्वी कहें कि आपको 5 सीट दे रहे हैं जी। आज वही बात मांझी जी ने कह दी कि 5 सीट ही दो या 50 सीट दो, लेकिन सामने आकर मुझसे बात करके, मेरे नजदीक आकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताइए जी, आप कॉन्फिडेंस दीजिए ना मुझे कि आप 5 सीट क्यों दे रहे हैं। आप एक्सप्लेन कीजिए मुझे कि 5 सीटों से मैं क्या हासिल करूंगा जी, और बाकी की सीटें जो आप मेरी काट रहे हैं वो किसको दे रहे हैं जी। ये सारी बातें बताइए, विश्वसनीय होगा तो हम महागठबंधन में रहेंगे, अविश्वसनीय होगा तो तीसरा मोर्चा भी खुला है, एनडीए भी खुला है, हम कहीं चले जाएंगे जी। लेकिन जहां बिहार में अभी भी टूटने के कगार पर है महागठबंधन, वही दिल्ली से लगातार खबरें गजब गजवा रही हैं। दिल्ली में जाकर एकजुट हो जाता है, दिल्ली में जाकर सभी लोग, अब दिल्ली की पानी की बात करें या दिल्ली में कुछ अलग तरीके का माहौल चल रहा है अभी, किस तरह का मौसम चल रहा है, ये फ्रांस वांस का मौसम तो नहीं ना आ गया कि वहां जाने के बाद लोग रोमांटिक हो जा रहे हैं जी, और एक दूसरे के प्रति इतना प्यार बढ़ जा रहा है कि देखिए ना, जो मुकेश सहनी बिहार में कांग्रेस से बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं जी, उसके अध्यक्ष उनकी बातचीत नहीं होती, लेकिन दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात कर रहे हैं, वही अहमद पटेल जिनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, वही अहमद पटेल जिन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था, वही अहमद पटेल जिनका 1 हफ्ते का समय खत्म हो गया और मांझी जी मैंने खाली हाथ वही इंतजार में फरियाद में बैठे रह गए, और उसी के चलते मांझी जी कांग्रेस से भी गुस्सा हो गए कि 1 सप्ताह तो आपने भी मांगा, आपने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, असल में मामला फंस रहा है राजद के पास आकर। राजद ने एक बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही है, लेकिन वो मानती है कि इन पार्टियों का जनाधार नहीं है जी, लेकिन फिर भी साथ में लेकर चलने की तैयारी है, और ये चुनाव में पिछले साबित हुआ था जी। टिकटें दी गई थी, सम्मानित सीटें दी गई थी, जो जहां से चाहता था उसमें सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया, वो तो 19-20 तो होता ही रहता है जी। अब जहां लोटा रखिएगा वहीं गिलास नहीं रख सकते हैं जी, हाँ लोटे के ऊपर, गिलास के ऊपर लोटा जरूर रख सकते हैं जी, लेकिन लोटे के ऊपर कभी गिलास नहीं रखाएगा जी। परिस्थितियां यहीं अटक रही हैं। महागठबंधन के सारे दल चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने सम्मान दें, जो कि उन्होंने दिया है, मैं तेजस्वी को दोष नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जिस तरह का आप कहिएगा सम्मान की हर घंटे में आके 5 बार प्रणाम कीजिए, वो संभव नहीं है जी। तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, उनका जनाधार बड़ा है, उस जनाधार को वो समझते हैं, वो जानते हैं कि 2019 में वो जनाधार नहीं लेकर आ पाए जी। लेकिन 2020 में परिस्थितियां बिहार विधानसभा की हैं, जातिगत जनगणना बहुत भारी पड़ेगा, और इसी हिसाब से उन्होंने अपने आप को बड़ा साबित कर दिया है। उन्होंने तो खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात कह दी, और एक आम निजी से बात करते हुए उन्होंने कह दिया है कि सीएम कैंडिडेट मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने और लालू यादव ने और मेरी पार्टी ने हमको 6 बार चुना है जी, और मेरी पार्टी जब बड़ी है और वो डिसाइड कर सकती है इन संसदीय प्रोसेस के तहत, तो आप लोग को मान लेना चाहिए, नहीं मानना है मत मानिए। जब आप ही ने सवाल पूछा था तेजस्वी यादव जी से, याद है उनका जवाब क्या था, क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने जो विपक्ष के बात पे हमने जो सवाल की थी उस पे कहा था कि सारी विपक्षी पार्टियां जो है क्वारंटाइन हो गई है, तो जवाब थोड़ा शुरू में सबको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन उनके बातों में जो है एक बड़ी बात छुपी हुई थी कि सारी जो पार्टियां है उनके उन्होंने मानसिक स्थिति पे जो है उनका जो एक सोचने का तरीका है उस पर उन्होंने एक कमेंट कर दिया था कि जो भाई मैं तो जो हूँ, मैं जो हूँ वो तो मैं लगातार बता रहा हूँ, उसके बाद यही सारी चीज जो है आपके स्तर से भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली इनकम्युनिकेटिव हो गए हैं सारे सदस्य महागठबंधन के जी। लेकिन ये जो सिचुएशन आया है ये बिहार के लिए ही है जी। दिल्ली में बार बार मैं कह रहा हूँ जब जा रहे हैं सब तो मुलाकातें हो रही हैं, देखिए इसके पीछे कारण है, देखिए महागठबंधन का 2 ही पावर सोर्स है, पावर सेंटर हॉटस्पॉट जो कही है जी। एक है रांची में और दूसरा है दिल्ली में, रांची में लालू यादव की मौजूदगी की वजह से और दिल्ली में राहुल और सोनिया की मौजूदगी की वजह से जी। आला कमान बेस्ड पार्टी है राहुल गांधी की, और आला कमान जो तय करेगा सो ही होगा। कांग्रेस बिहार के परिप्रेक्ष्य में छोटी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो सबसे बड़ी पार्टी है जी। और उसे भाजपा से लड़ाई लड़नी है, ना कि राजद और नीतीश कुमार से, वो उस लड़ाई की तैयारी करेगी हमेशा। लेकिन बिहार के संदर्भ में वो मानकर चल रही है कि राजद जो डिसाइड करेगा, राजद आवश्यक है, राजद साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से राजद इस खास तौर पे महागठबंधन के बनने को लेकर जो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है जी। इसको लेकर बहुत चिंतित है कांग्रेस, और कांग्रेस ने ये चिंताएं सामने भी जाहिर की हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि सीएम कैंडिडेट कोई हो लेकिन तय हम लोग मिलकर ही करेंगे जी। और यही बातें कहीं ना कहीं मांझी जी भी कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में परिस्थितियां ये बदली हैं, जो नया बेचैनी जो तेजी नजर आ रही है। देखिए पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था, मुकेश सहनी ने तेजी लाई थी जी, और वो तेजी चुनाव के तक दिखी थी मुझे 2019 के, 2019 के बाद भी जब स्थिर पड़ गया था महागठबंधन तो मुकेश सहनी ने ही तेजी लाई थी जी। बाद में उपेंद्र कुशवाहा आए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको बहुत हद तक तेज करने का प्रयास किया लोगों को मिलने का। और फिर एक बात देखिए, मांझी जी तो जाकर बात नहीं करेंगे कांग्रेस, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जी, अब कांग्रेस को आना पड़ेगा और तेजस्वी यादव आना पड़ेगा उनके पास। लेकिन इस बीच में फिर से एक बार प्रयास किया है
मुकेश सहनी, जो पिछली बार भी मैसेंजर सभी के थे, उन्होंने प्रयास किया है और सभी को एकजुट करके कांग्रेस से भी उन्होंने पूछा है कि आपकी बातें क्या हुई, राजद से बातें क्या हुई, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, स्पीड लाने की बात की गई है, और जो नए तरीके से चुनाव होगा बिहार में वर्चुअल सम्मेलन करके, वर्चुअल रैली करके, इसको लेकर आपको पता होगा कि नीतीश जी की भी एक बड़ी रैली है जी, वर्चुअल रैली वो करने जा रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा जी। जिस तरीके से आपको याद होगा अमित शाह की रैली हुई थी और तेजस्वी ने उसी दिन अपना थाली बजाने वाला रैली रख दिया था जी, और जिसके चलते अमित शाह की रैली काफी हद तक डैमेज हुई थी, प्रभावित हुई थी, और इसी कारण से अब चाह रहे हैं ये दल कि राजद को लेते हुए, सबको लेते हुए एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे आने वाले समय में नीतीश की जो रैली है उसको फ्लॉप किया जाए। लेकिन नीतीश की रैली को फ्लॉप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो सम्मेलन चल रहा है उनका व्यूअरशिप उसका देखकर बहुत दुखद लग रहा है। ऐसी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, 15 साल से शासन में है, सब लोग घरों में है क्वारंटीन, सब मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और फिर भी कोई उस रैली को नहीं देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्ट है ऑडियंस से, जनता से, वो टूट चुका है। आपकी बातें जनता समझ नहीं रही है ना समझना चाहती है, आपसे उब चुकी है, थक चुकी है। अब इस परिस्थिति में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए जी, समझिए इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना पड़ेगा जी। और बिहार में जो नहीं हो पा रहा भाई, दिल्ली में जाकर प्रयास किया जा रहा है जी। किसी तरीके से एक ऐसा समीकरण बनाया जाए, देखिए मुकेश सहनी ने एम्फेसाइज किया इन चीज पर जी, कि खास तौर पे उन्हें जो नीतीश की रैली है इस पर फोकस करते हुए राजद और बाकी दलों को, सभी को एक साथ करते हुए कोई वर्चुअल सम्मेलन किया जाए, कोई रैली की शुरुआत की जाए जिसमें सारे दिग्गज नेता महागठबंधन के एक मंच पर आए, और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए जो इंटरनल बातें हमारे सामने आई हैं उस हिसाब से तो स्पष्ट यही लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, खासतौर पर महागठबंधन के संदर्भ में। हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा हो जाए रैली की, या कोई जैसे आपको याद होगा स्वाभिमान रैली हुई थी, सारे सभी दल एक साथ जुड़े थे, एक साथ जुड़े, और बिहार संदर्भ को लेकर नीतीश कुमार भी उसमें थे 2015 के संदर्भ में। वैसे ही कुछ हो सकता है कि हो जिसमें जनता को जोड़ने का प्रयास किया जाए और वर्चुअल के माध्यम से ही जनता की संख्या इतनी दिखाई जाए कि उसको देखकर एनडीए के लोग खास तौर पर चिंतित हो जाए, उनकी थोड़ी जो जमीन है वो हिले और एक तैयारी सी भी हो जाएगी चुनाव को लेकर। ये जी, तो जैसे कि आपको नमन मिश्रा सर ने बताया था कि एक बात तो साफ है सर कि जो देश का जो दिल जो है वो दिल्ली को कहा जाता है, और दिल में जो है जहाँ हमेशा प्यार ही पनपता है, तो महागठबंधन के भी जो बाकी घटक दल है वो सभी चाह रहे हैं कि महागठबंधन के दलों के बीच जो आपसी सद्भाव है उसको बढ़ाया जाए, आपसी प्रेम को बढ़ाया जाए, इसलिए वो सभी बिहार को छोड़ के, पटना को छोड़ करके, सभी दिल्ली में तो एक जगह हो जाते हैं लेकिन पटना में जमीनी स्तर पर एक जगह नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश लगातार उन लोगों ने भी जारी रखी है अपनी। अगर बात करें, अगर हमारे बहुत सारे प्रवक्ता हैं, जैसे आप RLSP की भी बात करें तो वो भी अभी फिलहाल दिल्ली में भी है, RLSP के प्रवक्ता हो, राजद के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तो सभी जो है अभी जहां तक जो एक बड़ा कुछ होने वाला है ये सारा चीज जो है आपको संयोग की बात करते हैं हम लोग, लेकिन ये महज संयोग नहीं है, एक कोई होता है ना कि कोई तूफान आने से पहले का जो एक शांति है उस ढंग से लग रहा है कि चुप चुप होकर के जो एक मीटिंग की जा रही है। तो ये जो है सारी खबरें आप जो है भारत लाइव पे तो लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात थी आज के इस चर्चा में, इस रातों रात कार्यक्रम में, कि फिर से जो है महागठबंधन को एक गति देने का, एक नया एनर्जी देने का, एक बूस्ट करने का प्रयास मुकेश सहनी के ही तरफ से हुआ है, और उन्होंने कांग्रेस के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनके एक रणनीतिकार हैं, उनके साथ एक मीटिंग कर ली है, और बात अब आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं वो दोनों कि बिहार में महागठबंधन को लेकर के ढंग का एक समीकरण सामने आने वाला है। तो आगे क्या होगा वो तो हम सभी लोग देखेंगे, फिलहाल खबरों का जो सिलसिला है भारत लाइव पर लगातार जारी है। आप जो हैं हमें प्यार दे ही रहे हैं, हम सबको प्यार दे रहे हैं, खास तौर पे सुमन सौरभ जी को दे रहे हैं, गधा वाला वीडियो वायरल किया, मछली वाला वीडियो वायरल किया, नाव वाला वीडियो वायरल किया, अब तो ऐसा है कि मुझे याद ही नहीं कि कौन सा वीडियो सुमन सौरभ जी ने किया है जो वायरल ना हुआ हो। इतना प्यार देने के लिए खासतौर पे एक नए शख्स को जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है, पत्रकारिता के अपने नए दांव पेचों को सीख रहा है, उसे जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिया है ये वाकई काबिले तारीफ है। ये भारत लाइव की जनता ही कर सकती है, ये आप ही कर सकते हैं। हाँ, फिर इसी वक्त मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।